हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो बहुत लोग चाह रहे थे कि मैं बीआईटी मिश्रा पे एक वीडियो बनाऊं। ये वीडियो बहुत ही छोटा सा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को देना था मुझे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसमें तुम लोग जैसे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ओवरव्यू बताया हुआ है, बीआईटी मिश्रा का फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल रेंट, मेस फी कितना होता है, बहुत सारी चीज बताया हुआ है। नेक्स्ट स्कॉलरशिप क्या क्या मिलता है, फिर ब्रांच चेंज का क्या कॉन्सेप्ट है एंड प्लेसमेंट। तो ये जो बेसिक चीजें तुम लोग को जाननी होती है किसी भी कॉलेज के बारे में, तो ये मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ है। बीआईटी मिश्रा मेन कैंपस के बारे में बात हो रही है एंड ये उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो लोग जी मेन लिखे हैं एंड जो लोग जोसा या सीसैप का काउंसलिंग करने वाले हैं, बीआईटी मिश्रा में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू में मैंने ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन किया हुआ है, www.biitmishra.ac.in। ये रहा होम पेज बीआईटी मिश्रा का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लोकेशन। बीआईटी मिश्रा है रांची में एंड बीआईटी मिश्रा का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1955 एंड इंस्टीट्यूट टाइप है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। मोड ऑफ एडमिशन बेस्ड ऑन जी मेन रैंक थ्रू जोसा एंड सीसैप काउंसलिंग। तुम लोगों को पता ही होगा कि जो लोग बीटेक के लिए एडमिशन लेते हैं उनका जी मेन रैंक के थ्रू ही एडमिशन हो सकता है। जोसा का राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक होता है एंड सीसैप का राउंड 1 एंड राउंड 2 होता है। जोसा एंड सीसैप के थ्रू ही तुम लोग बीटेक में एडमिशन ले सकते हो बीआईटी मिश्रा का मेन कैंपस में। ओबीसी एनसीएल एडमिशन थोड़ा एक्सेप्शन है। तो 2-3 सालों से बीआईटी मिश्रा ने ओबीसी एनसीएल की जो जितने भी सीट्स हैं उसके लिए अलग से एडमिशन नोटिफिकेशन निकालना स्टार्ट कर दिया है एंड ये नोटिफिकेशन जोसा राउंड 1 के अराउंड ही निकालती है। जब भी जोसा राउंड 1 स्टार्ट होगा उसी समय ये नोटिफिकेशन निकालती है। समय तुम लोग को अलग से जो भी ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट है एंड यहाँ ध्यान देना, जो लोग झारखंड के ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट है एंड जिन्होंने झारखंड से क्लास 12 पास किया है वही लोग ओबीसी एनसीएल सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं बीआईटी मिश्रा में। बहुत लोग पूछते थे क्या बीआईटी मिश्रा में क्लास 10 12 के हिसाब से एडमिशन होता है, तो नहीं, सिर्फ जीमेन रैंक के हिसाब से, वो भी जोसा और सीसैप काउंसलिंग के थ्रू ही। एंड ओबीसी एनसीएल का तो तुम लोग को पता ही है, अलग से एडमिशन नोटिफिकेशन निकलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बीटेक एंड आईएमएससी प्रोग्राम की। तो इतने सारे ब्रांचेस हैं, जैसे है बायोटेक है, केमिकल है, सिविल है, सीएससी है, ईसीई, ट्रिपल ई, फूड टेक्नोलॉजी, आईटी, मैकेनिकल, प्रोडक्शन। आईएमएससी में तुम्हारा फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग एंड क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस। तो ये सारे प्रोग्राम है बीटेक एंड आईएमएससी जो जोसा के थ्रू या फिर सीसैप के थ्रू एंट्री मारते हैं एंड जो तुम्हें डिग्री मिलेगी वो बीआईटी मिश्रा रांची झारखंड की डिग्री मिलेगी ये सारे कोर्स कंप्लीट करने के बाद। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एक स्टूडेंट को लेना चाहिए काउंसलिंग से पहले, जोसा काउंसलिंग या सीसैप काउंसलिंग से पहले। तो तुम लोग यहाँ ध्यान देना, ये मैंने स्क्रीनशॉट दिया है, ये ना सिर्फ ट्यूशन फी, डेवलपमेंट फी और इंस्टीट्यूट एग्जाम फी सारे सेमेस्टर का, फर्स्ट से लेके 8th सेमेस्टर का है। जैसे अगर तुम लोग देखो तो फर्स्ट सेमेस्टर का है 1,38,000 एंड यही आगे बढ़ते बढ़ते 8th सेमेस्टर में 1,82,500 हो जाता है। एंड तुम लोग यहाँ ध्यान देना, फर्स्ट सेमेस्टर में तो ये दिख रहा है 1,38,000 लेकिन एडमिशन के टाइम तुम लोग को एक्स्ट्रा 27,500 देना पड़ेगा। 17,000 है एडमिशन फी वन टाइम ओनली एंड कॉशन मनी है 10,000 वन टाइम ओनली एंड ये रिफंडेबल है। 27,500 प्लस 1,38,000 तुम लोग को देना पड़ेगा एडमिशन के टाइम फर्स्ट सेमेस्टर में। यहाँ पे रेड में हाईलाइट करके दिया गया है, हॉस्टल फीस आर एक्स्ट्रा एंड पेबल ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर इस सेमेस्टर। ये फी तो है ही, उसके अलावा हॉस्टल फी और एक्स्ट्रा चार्जेस भी है, मे बी इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऑल। तो तुम लोग जैसे पता ही होगा कोविड सिचुएशन के कारण बहुत लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, तो उसके कारण ट्यूशन फी, डेवलपमेंट फी, फिर हॉस्टल रेंट में कंफ्यूजन ना हो इसलिए उन्होंने इनको अलग अलग कर दिया है, ट्यूशन फी अलग एंड हॉस्टल इलेक्ट्रिसिटी फी सब अलग। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हॉस्टल फी सब कितना लगेगा। ये तो रहा 13,05,500 ये सिर्फ पढ़ाई करने का। नेक्स्ट जो है हॉस्टल रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ये तुम लोग देख सकते हो बीआईटी मिश्रा मेन कैंपस के लिए 4 इयर्स कोर्स। जैसे तुम लोग बीटेक वाले हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में 19,000, सेकंड सेमेस्टर में 19,000 एंड करते करते 8th सेमेस्टर में 25,000। तो ये जितने भी है ये तुमको पे करना पड़ेगा अलग से, वो 13,05,500 के अलावा भी। एंड नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं मेस फी। देखो तुम लोग ने देख लिया ट्यूशन फी वाला, फिर हॉस्टल रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो सब एंड अलग से खाने का भी तुम लोग को देना पड़ता है हर सेमेस्टर। अप्रॉक्स 10K to 15K पर सेमेस्टर तुम लोग को देना पड़ेगा। ये अलग अलग होगा हर स्टूडेंट के लिए, डिपेंड करता है कि तुम वेज हो या नॉन वेज हो, तो उसी के हिसाब से
तुम्हारा पर सेमेस्टर मेस बिल बनेगा। अगर हम लोग 15 के मान के चले कि मान लो तुम्हारा 15 के पर सेमेस्टर पे करना पड़ रहा है, तो ओवरऑल 4 ईयर्स का तुमको कितना पे करना पड़ेगा। ये रहा सेमेस्टर फी, वो ट्यूशन फी वाला अगर तुम लोग बात करो तो 30,05,500 एंड हॉस्टल रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ये सब मिला के चारों साल का करो तो ये होता है 1,76,000। एंड अगर मेस फी की बात करो तो मैं यहाँ कंसिडर कर रही हूँ 15 के पर सेमेस्टर, तो 8 सेमेस्टर का तुम देखो तो 1,20,000 होता है। एंड टोटल फी अगर करो तो ये बनता है 16,01,500। तो ये मैं बात कर रही हूँ बैच 2022-23 बीटेक वालों के लिए। अब हम लोग बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। जैसा कि पहले तुम लोग ने देखा कि 4 साल में तुम लोग को 16 लाख अप्रोक्स 16 लाख लगेगा, तो इतना सारा अमाउंट, दैट इज अ बिग अमाउंट, 16 लाख इज अ बिग अमाउंट। तो इसलिए स्टूडेंट चाहते हैं कि किसी तरह उन्हें लोन मिल जाए या फिर किसी तरह स्कॉलरशिप्स मिल जाए। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो स्कॉलरशिप्स बेस्ड ऑन योर जी मेन रैंक। तो अगर तुम लोग यहाँ देखो ये ऑल इंडिया रैंक है, जी मेन रैंक ये जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए है। अगर तुम्हारा अप टू 1000 रैंक है सीआरएल रैंक, तब तुम्हें 100% मिलेगी, वो भी सिर्फ ट्यूशन फी में। फर्स्ट सेमेस्टर की बात करो तो तुम्हारा टोटल बिल बनता है 1,38,000, लेकिन तुम्हारा ट्यूशन फी है 1,23,000, तो इस अमाउंट की बात हो रही है। एंड वहीं एससी एसटी कैटेगरी के लिए अप टू 5,000 सीआरएल रैंक होना चाहिए। अगर तुम्हें 75% ट्यूशन फी में वेव ऑफ चाहिए तो 1001 से लेके 2500 तक रैंक होना चाहिए सीआरएल रैंक। फिर एससी एसटी का वही है 5001 से लेके 15,000। अगर 50% चाहिए ट्यूशन फी में वेव ऑफ तो 2501 से लेके 4000 तक सीआरएल रैंक होना चाहिए। एंड वही एससी एसटी में 15,001 से लेके 25,000 तक होना चाहिए तुम्हारा सीआरएल रैंक। और तुम लोग यहाँ ध्यान देना, ये तो तुम्हें मिल जाएगी फर्स्ट सेम में। एंड अगर तुम इसको कंटिन्यू करना चाहते हो नेक्स्ट सेम के लिए भी, तो तुम्हें एक सीजीपीए मेंटेन करना पड़ता है, 9 या फिर 9.5 सीजीपीए मेंटेन करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें इसे कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि और क्या क्या स्कॉलरशिप्स मिल सकती है तुम्हें। झारखंड के अगर जीएसटी ओबीसी होते हैं वो लोग ई कल्याण वाला स्कॉलरशिप भर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट मध्य प्रदेश से हैं, जो पीआरटी मिश्रा में एडमिशन लेना चाहते हो, ये वाला स्कॉलरशिप्स देख लेना ऑफिशियल वेबसाइट में। एंड जो कैंडिडेट बिहार से हैं, उनको बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में तो पता ही होगा। 4 लाख का लोन तुम्हें 0% इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है। बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट में देख लेना इसका और भी क्या क्राइटेरिया है, फी के बारे में तो तुम लोग को पता ही होगा। एंड जिसको नहीं पता है मैं यहाँ पे एक लिंक दे दूंगी, वहाँ पे तुम लोग सारे डिटेल्स देख लेना। जो भी एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए स्कॉलरशिप्स आती है, नेशनल लेवल का होता है। एनएसपी तुम्हारा जी मेन रैंक पे ही होता है, फर्स्ट ईयर में ही सिलेक्शन होता है। ऑलरेडी ये एक्टिव हो चुका है स्कॉलरशिप फॉर्म, तो जैसे तुम्हारा एडमिशन होता है कॉलेज में अप्लाई कर देना अगर एससी एसटी कैंडिडेट हो तो। ये जितने भी स्कॉलरशिप्स थी ये तो तुम्हारा गवर्नमेंट की तरफ से था। कॉलेज की तरफ से भी जीपी बिरला स्कॉलरशिप्स मिलता है बेस्ड ऑन जीपीए या फिर कुछ सिचुएशन के आधार पर भी स्कॉलरशिप्स मिलती है। तो जीपीए की बात करें तो तुम लोग को अगर 100% स्कॉलरशिप्स चाहिए ट्यूशन फी में वेव ऑफ, तो तुम लोग को 9.5 जीपीए लाना पड़ेगा। फिर 75% ट्यूशन फी में वेव ऑफ चाहिए तो 9 से लेकर 9.5 जीपीए लाना होगा। हर सेमेस्टर के रिजल्ट के बेसिस पे तुम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हो, मतलब रजिस्ट्रेशन से पहले ही अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अब ब्रांच चेंज। अब देखो जरूरी नहीं है कि जी मेन सबका अच्छा गया हो, खौतुम का परसेंटाइल कम गया है उसके कारण लोकल लोअर ब्रांचेस मिलेगी, लेकिन चिंता मत करो अगर तुमको लगता है फर्स्ट ईयर के बाद जीपीए अगर 9 से ज्यादा आ सकता है तो तुम लोग लोअर ब्रांच प्रेफर करके भी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बाद तो ब्रांच चेंज कर सकते हो। इसका जो मेन क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सिर्फ बीटेक स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम सीजीपीए जो क्राइटेरिया है जनरल एंड ओबीसी का 8 या 8 से अधिक होना चाहिए, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जो सीजीपीए का क्राइटेरिया है मिनिमम 7 या उससे ज्यादा ही होना चाहिए। और एक चीज ध्यान देना कि इसका जो बैकलॉग है फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर में किसी भी सेमेस्टर में बैक नहीं लगना चाहिए। जैसे 2021 का तुम लोग रिजल्ट यहाँ देख सकते हो, इतने सारे कैंडिडेट का ब्रांच चेंज हुआ है। तो 9.5, 9.6, 9.3 एंड ये जो ब्रांच चेंज होता है कैटेगरी वाइज एंड तुम्हें कितना सीजीपीए आया है उसके हिसाब से होता है। तो लोग यहाँ देख सकते हो ट्रिपल ई से सीएसई गया, ईसी से आईटी हो गया, मैकेनिकल से ट्रिपल ई हो गया, तो जो ब्रांच चाहिए वो मिल जाता है अगर तुम्हारा सीजीपीए अच्छा रहा तो, ये देख सकते हो। एंड 2022 का रिजल्ट भी तुम देख सकते हो, इसमें सीजीपीए नहीं दिया गया 2022 के रिजल्ट में। तुम देख सकते हो ये कैटेगरी है एंड मैकेनिकल से ट्रिपल ई हो गया, केमिकल से ईसी बन गया। तो इतने सारे 20 कैंडिडेट्स का ब्रांच चेंज हुआ था 2022 में।
अब हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट की। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि 2020-21 का डेटा सिर्फ अवेलेबल है बीआईटी मिश्रा के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ तुम लोग जा सकते हो ये प्लेसमेंट वाले सेक्शन में, प्लेसमेंट सेक्शन में जाके प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स में अगर क्लिक करोगे तो ये वाला पार्ट आएगा। यहाँ पे उन्होंने बस इतना मेंशन किया है कि 2020-21 में 120 रिक्रूटर्स आई थी एंड 746 जॉब ऑफर्स किया गया। एवरेज 10.02 लाख था और जो हाइएस्ट नेशनल सैलरी था वो 51.5 लाख पर एनम था। ये डेटा देख लिया तुम लोग। सीटीसी ऑफर्ड ये भी तुम लोग देख सकते हो। 2020-21 की बात करें तो एवरेज सीटीसी थोड़ा सा कम हुई है। 19-20 में ज्यादा था ये देख सकते हो, बट 20-21 में आई थिंक कोविड के कारण थोड़ा सा कम गया है। लेकिन जहां तक मुझे पता चला है 21-22 में इसका जो एवरेज सीटीसी है थोड़ा ऊपर गया है। तो बीआईटी मिश्रा मेन कैंपस से रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो में मैंने बता दिया है। एंड नेक्स्ट वीडियोज में मैं बीआईटी देवघर, बीआईटी पटना एंड बीआईटी जयपुर को कवर करने वाली हूँ। और तुम लोग को और भी कोई वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड जितने भी नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों को शेयर कर देना जिनको जोसा काउंसलिंग या फिर सीसैप में मदद की जरूरत है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।